मैं विवेक कुमार झा आप सभी श्रद्धालु भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सत्यनारायण पूजा कथा का हिंदी में अनुवाद पाठ कर रहा हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनोहरि प्रेम बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की कथा की पहला अध्याय। एक समय प्राणियों की चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीय नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी शिष्य सूत जी शिष्य गणों के सहित हरि नाम स्मरण करते हुए वहां पर आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी को आके देख महातेजस्वी सौनिकादि मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वालों में से सूत जी तथा परम वैष्णव सौनिकादि ऋषि परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके सौनिकादि मुनियों के द्वारा आसन पर संपूर्ण शिष्यों के सहित अति बुद्धिमान सूत जी वहां पर बैठ गए। बैठे हुए सूत जी से सौनकाज मुनियों ने नमस्कार करके हाथ जोड़ करके कहा, हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सूत जी, इस कलयुग में मनुष्यों को हरि भक्ति किस उपाय से प्राप्त होगा? हे भगवान, वह कहिए, क्योंकि कलयुग में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद विहीन हो जाएंगे, उनका कल्याण इस प्रकार से होगा। इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्रायः धर्म जो है पुण्य जो है अति परिश्रम से प्राप्त होता है, इसीलिए कलयुग में कोई मनुष्य धर्म नहीं करेगा और धर्म के नष्ट होने से सब पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब वंश के सहित नष्ट हो जाएंगे, घोर नरक में चले जाएंगे। हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों से वर्णन कीजिए, जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है वह उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयामान कपट रहित निष्पाप और निर्विरोधी यह चार तरह के मनुष्य नारायण के समान है, भगवान के समान है। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर नाराज हो जाते हैं, और जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं ज्ञान देते हैं उन्हें मनुष्य रूप धारण किए नारायण ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो? वह हम लोगों को सुनने की इच्छा है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वेद वेदांत के ज्ञाता हैं, आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि श्री वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णवों में अग्रणी हो, कारण कि सब प्राणियों का तुम सदैव हित चाहते हो। हे सौनक, सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय।